तो शेयर कीजिएगा। तो पहले परसेंट के बारे में देखते हैं कि परसेंट का होता क्या है। तो परसेंट मतलब एवरी, पर मतलब एवरी, और सेंट मतलब सेंचुरी। तो आप सेंचुरी मान लीजिए 100 ईयर्स, या आपने क्रिकेट में देखा होगा कि 100 बॉल बनाने पे वो जो वहां पर रहते हैं वो बोलते हैं 100 सेंचुरी बनाया उसने। तो यहाँ पे इसमें 100 हो गया। अब इसका कुछ जैसे मान लीजिए हमने एक बॉक्स लिया, उसका हमने 100 पार्ट कर दिया और उसका मैंने एक पार्ट यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक पार्ट निकाला मतलब 1 out of 100, दो पार्ट निकाला तो 2 out of 100, तीन पार्ट निकाला तो 3 out of 100। हम इस 9 को पर भी बोलते हैं। तो ये हो गया 1 per 100, 2 per 100, 3 per 100। अब 100 को हम यहाँ सेंचुरी बोल रहे हैं, तो 1 per cent, 2 per cent, 3 per cent। तो ये आपका हो गया, ये है 1%, ये है 2%, ये है 3%। यहाँ पे हमने अगर इसलिए हमने आप वहाँ पे लिख दिया, तो आपने परसेंट का साइन ये होता है एक लाइन साइडिंग यहाँ पे एक यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया परसेंट का साइन। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये हो जाएगा 50
अपॉन 100 मतलब 50% ये हो गया। उसके बाद दूसरा टॉपिक लेते हैं, वो है टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शंस। ठीक है, अब ऐसा हम लोग तो देखते हैं, मान लीजिए हमने लिया परसेंट लेना है तो हम लेंगे 25%। अब आप सोच रहे होंगे हम परसेंट लगाए लिए हैं तो परसेंट मतलब 100, तो ये परसेंट का साइन है 25/100। तो आप ये सोच रहे हैं कि यही ही सही आंसर है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। अभी इसको और डिवाइड हो सकता है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 25 × 25, 25 × 100, तो ये हो गया 1/100। ये हमारा निकल गया फ्रैक्शन। अब इसके दूसरे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 50%, तो ये हो गया 50/100। उसी तरह से हमको ये भी करना है, तो ये हो गया 50/100, ये हो गया 1/2, ये हमारा निकल गया फ्रैक्शन। इसका आंसर हो गया 1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का काम हो गया। उसके बाद यार हमारा परसेंट था। थैंक यू।